नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका आप सबके लिए बहुत ही डिफरेंट चीज लेकर आई हूँ। जी हाँ, पराठा, आलू और चीज, ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है, और यदि इन तीनों चीजों को मिलाकर एक डिफरेंट सी नाश्ता रेसिपी बनाए तो कैसा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिक से नए पराठे को बनाना। आलू चीज पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में 1 कप के करीब गेहूं का आटा लेंगे। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है। अब हम यहाँ पर करीब 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलूओं को कद्दूकस करते हुए डालेंगे। इसमें आप आलू को कद्दूकस करते हुए ही डालें और थोड़ा बारीक वाला कद्दूकस लें ताकि आलू एकदम बारीकी से कद्दूकस हो, क्योंकि हमें यहाँ पे फूले फूले बढ़िया पराठे चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया यूनिक तरीका है आलू के पराठे बनाने का, ये बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगते हैं। अब हम इसमें सीजनिंग करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा नमक डालें, साथ ही में काली मिर्च पाउडर डालें, रेड चिली फ्लेक्स डालें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट और टेक्स्चर आता है इससे। अब हम यहाँ पर फ्रेश धनिया डालेंगे, और आप चाहे तो यहाँ पे ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। यदि आपको आलू का भरवा पराठे बनाने में दिक्कत आती है तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप यह यूनिक पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह पराठा बच्चों का फेवरेट होने वाला है आज के बाद से। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। तो ध्यान रखें, पानी बहुत धीरे धीरे डालें, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी आलू डाल चुके हैं और आलू से आटा काफ़ी गीला हो चुका है, तो धीरे धीरे ही पानी डालें। आप चाहें तो छोटा बर्तन 1 चम्मच की सहायता से इसमें पानी डालकर आटा गूंद लें। फ्रेंड्स, जब भी आप इस पराठे को बनाएं तो तुरंत आटा लगाएं, क्योंकि हम इसमें आलू मिला चुके हैं और नमक भी, तो पहले से आटा लगा देंगे तो आटा ढीला हो सकता है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अच्छे से चिकना करते हुए इसे गूंदेंगे। तो इस तरह से चिकना आटा बनेगा तो हमारा पराठा बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब इसे ढक कर करीब हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से स्वीट कॉर्न ले रही हूँ, जिसे एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे खरल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे स्वीट कॉर्न कूट चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने ये बारीक कटा हुआ मोज़रेला चीज़ दिया है, आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, और इसमें हम ये दरदरा पिसा हुआ स्वीट कॉर्न डाल देंगे। ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी स्टफिंग लगती है। चीज़ और कॉर्न का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे। टेस्ट के लिए यहाँ पे हम ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और साथ ही में हम बिल्कुल थोड़ा सा यानी 1/4 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। वैसे मोज़रेला चीज़ में नमक नहीं होता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारी बहुत ही बढ़िया चीज़ स्टफिंग तैयार हो चुकी है। इस स्टफिंग से आज हम पराठा बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और यूनिक बनने वाला है। तो इस तरह से हमारी ये चीज़ स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे पराठा बनाएंगे। 5 मिनट में आटा हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, और इसके हम बड़े बड़े गोले बना लेंगे। जी हाँ, चपाती से थोड़े हमें बड़े गोले चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़े थिक पराठे बनाएंगे। यदि पतला पराठा बनाएंगे तो चीज़ बाहर निकल जाएगा और चीज़ तवे पर ही मेल्ट होने लग जाएगा। तो थोड़े बड़े आकार के पराठे बनाएं। तो इस तरह से हमने बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब एक चकले पर आप थोड़ा सा सूखा आटा डालें और उसके ऊपर इस बॉल को अच्छे से रोल कर लें, और इसे एक हम पूरी की तरह बेल लेंगे। यानी हमें इसे स्टफ़ करना है, तो इसे थोड़ा सा मोटा और छोटा ही इसे बेलें। अब इसके बीच में हम सेंटर में ये तैयार स्टफिंग रख देंगे जो हमने चीज़ और स्वीट कॉर्न से बनाई थी। इसे अच्छे से बीच में रखें, हल्का सा दबाएं, और उसके बाद हम इसे चारों तरफ से अच्छे से पकड़ के उठा के इस तरह से सील करेंगे कि हमें एक स्टफ बॉल की तरह मिल जाए। जिस तरह से कि हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं, उसी तरह से हमें इसे यहाँ पे बना लेना है। इसके ऊपर वापस सूखा आटा लगाएं, और अब हम इसे बहुत ही ध्यान से और अच्छे से धीरे से बेलेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हमें बहुत ही धीरे और आसान से इसे बेल लेना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि डो हमारा एकदम सॉफ्ट है और स्टफिंग में भी हमने कोई भी बाइंडिंग नहीं डाली है। तो इसे धीरे धीरे से बेलें कि इसके साइड्स ना फटने पाए। और इस तरह से हमने ये एक मोटा पराठा बना लिया है, और मैंने तवे को मीडियम लो पर से अच्छे से गर्म कर लिया है, और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर ही अच्छे से सेक लेंगे। यदि हम इसे तेज सेकेंगे तो आटा कच्चा रह जाएगा और जो हमारा चीज़ है नीचे अंदर वह मेल्ट नहीं होगा। तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकें। इस तरह से हम दोनों तरफ से इसे बहुत ही आसानी से अच्छे से सेक लेंगे, और इसके ऊपर आप तेल या घी जो भी आपको पसंद है वह आप इस पर लगाएं। मुझे पराठों में घी पसंद है, तो मैं जनरली घी ही यूज़ करती हूँ। और दोनों तरफ से अच्छे से इस पर घी लगाने के बाद में अच्छे से इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लें। बहुत ही बढ़िया हमारा पराठा बनेगा। आप इसे दोनों तरफ से फ्लिप करें और हल्का हल्का सा दबाएं ताकि इसके ऊपर अच्छे से ब्राउन मार्क्स आ जाएं। पर ध्यान रखें ये जलने ना पाए, क्योंकि हमें यहाँ पर ये
चीज़ी इफेक्ट देना है और ऊपर से इसकी जो लेयर है सॉफ्ट रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा पराठा फूल कर आया है। वाओ, अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। पराठा काफ़ी गर्म है और इसी में आपको मैं इसका चीज़ी इफेक्ट दिखाती हूँ, कितना बढ़िया हमारा चीज़ का आलू पराठा बना है। बहुत ही आसान है इस पराठे को बनाना। इस बार इस पराठे को आप ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर शेयर करें कि आपके बच्चों को और फैमिली को ये पराठा कैसा लगा। और इसी तरह की यूनिक रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।